तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरे लिए खास है। 3 घंटे के बाद 29 अगस्त और मैं 18 साल का होने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम लॉकडाउन में, क्योंकि इससे पहले तो जब आया था 1920 में तब तो मैं पैदा हुआ नहीं था। पहली बार अपना बर्थडे मैं लॉकडाउन में बना रहा हूँ, तो सोचा एक व्लॉग बनाऊं जो मेरे पास हमेशा रहे कि 2020 में ऐसा भी टाइम हुआ था जब हम लोग घर में बैठे थे और मुझको लॉकडाउन में बर्थडे बनाना पड़ा क्योंकि चाइना के कारण। इसलिए मैंने सोचा मुझको ये वीडियो बनाना चाहिए। पहले मैंने इस पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है, बहुत लोग ने बोला भाई तू कॉलेज पे बनाऊं। देखो अभी कॉलेज पे मुझको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैंने इतना बना दिया तो मैं अब मेरा मन नहीं करता, मैं बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बर्थडे पे व्लॉग बनाऊं और बताऊं कि कैसे क्या होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बर्थडे के लिए एक केक होगा। तो अभी जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन है, तो बाहर से मुझको, देखो मैं बाहर से ला सकता हूं केक, लेकिन मैंने सोचा क्यों मैं बाहर से बिना मतलब का केक लाऊं जब मैं घर में बना सकता हूं। क्योंकि आज 28, कल था 27 जो मेरी दीदी का बर्थडे था। मेरी दीदी का बर्थडे 27 अगस्त को, मेरा बर्थडे 29 को, लेकिन बीच में 5 साल का अंतर है। तो कल मेरी दीदी ने अपने लिए केक बनाया, बोला कि मैं तुम्हारे लिए भी बना दूं। चलो सही है, मुझको तो और व्लॉग में दिखाने के लिए कुछ मिल जाएगा। मैं, अगर आप ये व्लॉग देख रहे तो ये वीडियो मुझको अच्छा लगा था, इसीलिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया। हो सकता मुझको अच्छा नहीं लगा, मैं इसको एडिट वेडिट करके अपने लैपटॉप में रख दिया। जब आगे 5 साल 10 साल बाद जाऊंगा तो मैं ये वीडियो देखूंगा कि मैंने 2020 में अपना बर्थडे कैसे व्लॉग किया था। कि सबसे मेन बात ये है, जैसे आप लोगों को नहीं पता मैं बहुत बड़ा WWE फैन हूँ। तो WWE ने अभी जस्ट अपना थंडर डोम शुरू किया, मतलब वो वर्चुअल फैन लाते हैं, आप घर से बैठ के वहां पे शो देख सकते और वो आपको दिखाएंगे। वहां पे उन्होंने ऑडियंस जहां बैठते थे वहां पे उन्होंने LED स्क्रीन लगा दिया, तो वहां पे आप लोग का व्यू दिखाया जाता है। जो आप वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहेंगे वो आपको दिखाया जाता है। तो मैंने रजिस्टर किया था, मैंने पहले समर स्लैम के लिए किया, मुझको नहीं हुआ। मैंने मंडे नाइट रॉ के लिए किया, मुझको नहीं हुआ। लेकिन कल का जो स्मैकडाउन लाइव है मैंने रजिस्टर किया और मुझको सेलेक्ट कर लिया गया, मतलब वहां पे मुझको उन्होंने लिंक भेज दिया है। अब मुझको क्या करना है, जिस टाइम पे मुझको कॉल है मुझको उस टाइम पे वहां पे जाके उस लिंक को दबाना है। अगर सीट रहते हुए मैंने टाइम पे क्लिक कर दिया, मैं TV पे आने वाला हूँ WWE स्मैकडाउन में। तो देखते हैं, मैं ट्राई करूंगा। उसके लिए मुझको देखते हो, पहले तो रात में 12 बजे तक तो उठना ही है, उसके बाद कब नींद आएगा, 1-2 बज जाएगा, उसके बाद मुझको 5:30 बजे उठना है क्योंकि स्मैकडाउन का टाइम 5:30 बजे सुबह में है। हाँ, उसके बाद मैं सो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद सब फोन आते हैं परिवार से, तो वो भी है। देखते मैं कल कैसे मैनेज करने वाला हूँ। 10 बज गए, 2 घंटे और 2 घंटे उठना, नींद इतना खतरनाक आ रहा है। लेकिन सुबह में उठा था आज 4:30 बजे के आसपास, तो इतना खतरनाक नींद आ रहा है, लेकिन 2 घंटे अभी और उठना। तो गाइस, आज सोचा बर्थडे है, मतलब बर्थडे से एक रात पहले, तो सोचा आप लोगों को किसी से मिलवा दूं। तो बहुत दिन से मैंने कभी बताया नहीं, तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से मिलवा देता हूँ। तो तैयार हो जाइए मिलने के लिए। तैयार, इन 3, 2, 1। तो हाय मैया, हाय बोलो, हाय हाय। तो देखो मैंने मिला दिया, मैं बोल रहा था मैं मिलाऊंगा, मैंने मिला दिया। तुम हमको जानती हो? कैसे कैसे, हम कौन है, हम कौन है? आ गया, कौन आया, कौन है ये, कौन है? तो मैया कल किसका बर्थडे? तुम्हारा। मेरा बर्थडे? हाँ। तो केक कौन काटेगा? तुम। तुम नहीं काटोगी? नहीं। क्यों? मेरा बर्थडे हो गया। हो गया? हाँ। तो कल नहीं काटोगी पक्का? हाँ। तो मैंने बोला था मैं मिलवाऊंगा, मैंने मिलवाया। देखो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, आपको यकीन नहीं है तो बगल में कोई और भी है, पता नहीं यहाँ क्यों है, मेरा दिमाग खराब कर दे और कुछ नहीं, बस ये मेरा दिमाग खराब करता है ना। देखो हाँ भी मैं दिमाग खराब करता है ना, दिन भर मेरे साथ पबजी खेलता, सोचो मैं इसके साथ खेलता, मेरा 9 किल रहता है, इसका 0 रहता है, मेरा 9 रहता है, नहीं है तो मैं ID डाल दूंगा जाके देख लेना, मेरा 9 रहता है, ये 0 रहता है ना, ये नियॉन मैन है। मैं दूसरे रूम में आ चुका क्योंकि उस रूम में मेरे भाई और मेरी बहन सो रही है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे तो शूट नहीं कर पाऊंगा। तो अभी 11 देख सकते हैं, दिख रहा होगा टाइम, अभी 11:58 हो रहा, 59 हो गया, 1 मिनट बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा। 12 बज गए, आज है 29 अगस्त,
मैं हो चुका हूँ 18 साल का। तो सुबह के 5:23 हो चुके, मैं उठ के आ गया, मैं नींद 5:15 में खुला, तो फिर मैं सोचा मैं 15 मिनट और सो जाता हूँ फिर उठूंगा, लेकिन मैं नहीं सोया। मुझको पता था अगर मैं सो जाता तो मैं नहीं उठता। कॉल टाइम 9 बजे ईस्टर्न में है, जो इंडिया के हिसाब से 6:30 बजे होता है, तो मुझको उस टाइम पे वहाँ पे लॉग इन करना। देखता हूँ फिर क्या मैं टीवी पे आ सकता हूँ या नहीं। लोग कैसे कैसे अपना बर्थडे शुरू करते हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ WWE के साथ अपना बर्थडे। मतलब क्या मस्त, वो भी स्मैकडाउन, रॉ से अच्छा स्मैकडाउन होता है। मैं उसके साथ अपना बर्थडे शुरू कर रहा हूँ। लास्ट संडे दिखाइए दिखाइए, हाँ फीन्ड मस्त कैरेक्टर है। मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं उठा 5:30 बजे स्मैकडाउन के लिए, 6:30 बजे जो मेरा टाइमर था मैंने क्लिक किया, मैं नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, देखो बहुत लोग रहते हैं, अब कितना जल्दी, वहाँ पे लिमिटेड सीट रहते, तो नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया। तो 7:30 बजे तक तो मैंने स्मैकडाउन देखा। उसके बाद आज जब मैं सुबह उठा था तो हल्का सा मेरे गले में दर्द हो रहा था, उसको टॉन्सिल हो गया था, तो वही हल्का दर्द होने लगा। तो मेरी मम्मी उठ चुकी थी तब तक, तो मैंने मम्मी को बोला गर्म पानी एक गिलास कर देना, मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया और फिर मैं आके सो गया। अभी 10:30 बजे मैं 3 घंटे बाद मैं सो के उठा तो मेरा गला अब ठीक लग रहा है, मुझको पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मुँह अच्छा है तुम्हारा? हाँ अच्छा है। मेरा तो अच्छा है। किसका खराब है? मेरा। अभी तो तुम बोली अच्छा है तुम्हारा। अच्छा है। बैलून दिखा दो। ये मेरा बैलून है। मेरा है, पिंक है। ये पिंक नहीं है, कोया है। ये ब्लू है। ब्लू का है तो ब्लू फूट गया। ये मेरा है, लो। ये मेरा पिंक। दूसरा दूसरा ये नहीं है। इधर देखो तुम्हारा मुंह दिख रहा है। ऐसे कर दो। तो गाइज ऑलमोस्ट 5 बज चुके, मैंने कुछ व्लॉग उतना किया है, कुछ कुछ जैसे जब केक बन रहा था उसका मैंने एक टाइम स्लैप लिया, उसके अलावा और कुछ कुछ जो शूट किया वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी और ज्यादा कुछ नहीं, ये जो आप आवाज सुन रहे पीछे से वो मेरी बहन देख रही है सिंचन, तो वो आवाज कर रही है। तो अब जाता हूँ, तो सब फोटो अब खिंचाना है इंस्टा के लिए, बाकी सबके लिए भी अब फोटो वोटो होना चाहिए ना, बिना फोटो का कैसे। देख सकते मैंने बाल स्ट्रेट किया, जैसे आपको पता बाल लंबे हो जाते हैं तो एकदम अजीब से हो जाते, एकदम घुंघरेले जैसे हो जाते, तो मेरे भी वैसे ही हो गए। तो मैंने आज जस्ट बाल स्ट्रेट अभी करवाया, तो मेरा बाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत खराब मेरा बाल लगता था। तैयार हो चुका हूँ, ये हूँ मैं। दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखता हूँ सीधा पर, ये हूँ मैं। तो ये मेरा आउटफिट, ये मैं, ये मैंने, मैं बता देता हूँ
ये मैंने नहीं किया, कहाँ से बताऊं यार। एक मिनट, ये सब मैंने नहीं किया। परसों मेरी दीदी का बर्थडे था तो दीदी ने किया था, क्योंकि फोटो खिंचाना था दीदी को, इसलिए ये दीदी ने किया। तो ये सब रखा रह गया, मेरा बर्थडे आज था तो इसीलिए ये सब मैं खाली खाली बैलून दीदी ने लगा दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं मैया को बैठने दो, बैठो ना। इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, इधर रुको, चलो तो ना बैठो, चलो इधर जाओ बाबू। My best friend to 23, she left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked